अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी टिप्स विद सारिया। तो कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और खुश रखे। तो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पीले दांतों की वजह से, अपनी बदबूदार दांतों की वजह से। स्मेल आती है मुंह से जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी सांस के साथ स्मेल आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 15 से 20 साल की एज में जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि जब वो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो वो किसी से बात नहीं कर पाते अपनी शर्मिंदगी की वजह से। तो गाइस, जिन लोगों के दांतों में कीड़े भी लगे हुए हैं या दांतों से स्मेल आती है या दांतों में पीलापन है, जम गया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है वीडियो, आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, ये सिर्फ पीलापन ख़त्म करता है, स्मेल ख़त्म करता है, दांतों से जो खून बह रहा होता है उस खून को कंट्रोल करता है, ठीक है। हफ्ते में 3-4 दफ़ा ये लाजमी अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे और अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ये उनके लिए नहीं है, टेढ़े मेढ़े दांतों को ये सही करने का रेमेडी नहीं है, ठीक है। क्योंकि दांत का उगना ये आपका एक अलग अमल है, और स्मेल को दूर करना और खून को रोकना और उनके येलोपन को ख़त्म करना ये एक अलग अमल है, ठीक है जी। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए एक अच्छा सा बाउल, आप कोई भी ले लीजिए, और आप उसके अलावा आप ले लीजिए टूथपेस्ट, आपके पास जो भी है, आप घर में जो भी यूज़ करती हैं आप वो ले सकती हैं। हमने ऐड करना है जी टूथपेस्ट, तो हमने ऐड करना है जी टूथपेस्ट, अपने हिसाब से ले लीजिए, बस 1 टीस्पून तकरीबन हमने टूथपेस्ट ऐड कर दिया है। आपके पास जो भी है आप वो ले लीजिए, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए या वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें जी चाहिए जी बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, जो आपके खून को रोकेगा और आपके येलोपन को बिल्कुल रिमूव कर देगा, और आपकी सांस में जो स्मेल होती है उस स्मेल को भी ख़त्म करेगा। हमने लेना है जी ये बेकिंग पाउडर। उसके अलावा हम आप ऐड करेंगे इसमें जो थर्ड रेमेडी है वो जी सॉल्ट। सॉल्ट आप ले लीजिए, सॉल्ट आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं हम, क्या ये तीनों चीज़ तकरीबन हर घर में अवेल होती है, ठीक है। बेकिंग पाउडर मीठा सोडा होता है जो हम चीज़ें बॉयल करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, और आप अपने ब्रश की मदद से अपने दांतों पर इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। तकरीबन 5 से 3 मिनट तो लाजमी कीजिएगा, और उसके बाद आप इसको साफ़ कर लीजिए। यही अमल फिर आप रात को सोते वक्त भी कर लीजिएगा, तो ये आपके इतना अच्छा आपके मुख का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। जब हमारे दांत येलो होते हैं या स्मेल आ रही होती है तो हमारे मुँह का टेस्ट भी बहुत गंदा हो रहा होता है, तो ये उसको भी रिमूव करता है, टेस्ट अच्छा बनाता है। तो ये आपका बन गया जी बहुत ही अच्छा मिक्सचर, आपने अपने दांतों पर अप्लाई करना है, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लाजमी एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा, एक बार ट्राई लाजमी करके देखिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ना ही इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो आपके दांतों पे कुछ नई कोई चीज़ बनाएगी, नहीं जी कुछ भी नहीं होगा, कोई पौधे शोधे नहीं होंगे इन दांतों के अंदर। तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, अगर आपके फ़ायदेमंद हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों के भी फ़ायदे की बन सके। तो हंसते रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।